In this lecture, we are starting our new topic, that is United Nations System. So इस लेक्चर से हम लोग स्टडी करेंगे United Nations System. So first question जो यहाँ पर राइज होता है वो ये है कि what is the need of United Nation? So United Nation की need है क्या? Actually ये एक platform provide करता है. क्या प्रोवाइड करता है? ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है सो दैट कंट्रीज कैन रिजोल्व देयर डिस्प्यूट्स. फॉर एग्जांपल इंडिया एंड पाकिस्तान, यहाँ इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट है तो यूनाइटेड नेशन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा सो दैट इंडिया एंड पाकिस्तान कैन रिजोल्व देयर डिस्प्यूट्स. फॉर दिस वी कैन यूज एग्रीमेंट्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स एंड टॉक्स. सो लेट स्टार्ट विद द यूनाइटेड नेशन. इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1945. मेंबर स्टेट्स कितने हैं? 193 मेंबर स्टेट्स हैं. मिशन एंड वर्क देखते हैं इसका. यूनाइटेड नेशन का जब फाउंडेशन हुआ तो एक फाउंडेशन चार्टर क्रिएट किया गया. इस फाउंडेशन चार्टर के अंदर यूनाइटेड नेशन के पर्पस क्या होंगे और प्रिंसिपल्स क्या होंगे उनको मेंशन किया गया. ये पर्पस और प्रिंसिपल गाइड करते हैं यूनाइटेड नेशन को कि ये यूनाइटेड नेशन क्या मिशन अडॉप्ट करेगा और क्या टास्क या क्या वर्क ये परफॉर्म करेगा. दोबारा समझो, यूनाइटेड नेशन जब फाउंड हुआ, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो फाउंडेशन हुआ तब एक फाउंडेशन चार्टर भी साइन हुआ. उस फाउंडेशन चार्टर के अंदर यूनाइटेड नेशन का क्या पर्पस है, यूनाइटेड नेशन के क्या प्रिंसिपल होंगे वो मेंशन किए गए. वो पर्पस और वो प्रिंसिपल ही गाइड करते हैं यूनाइटेड नेशन को कि उसको क्या टास्क परफॉर्म करने हैं, क्या मिशन परफॉर्म करना. अब यूनाइटेड नेशन करता क्या है? यूनाइटेड नेशन डायलॉग्स के थ्रू, नेगोशिएशंस के थ्रू, एग्रीमेंट्स के थ्रू कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट्स को रिजोल्व कराता है. नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस किन किन इश्यूज को हैंडल करेगा तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल लेवल पर जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं उनको डील करता है. फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म, पीस एंड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फूड प्रोडक्शन, गवर्नेंस, डिसआर्ममेंट, जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमैनिटेरियन एंड हेल्थ एमरजेंसीज, ह्यूमन राइट्स. इसके अलावा और भी कोई और इश्यूज अगर अराइज होते हैं तो उन इश्यूज को भी यूनाइटेड नेशन एड्रेस करता है. अब यूनाइटेड नेशन के स्ट्रक्चर को समझते हैं. सो What are the organs of United Nations? There are six main organs of United Nations. First organ is General Assembly. Second organ is Security Council. Third is Economic and Social Council. Fourth is Trusteeship Council. Fifth is International Court of Justice. And sixth is UN Secretariat. So there are six organs of United Nations. So first we will talk about United Nations system, the General Assembly. The General Assembly is the main deliberative, policy making and representative organ of the UN. Basically General Assembly hi ek aisa United Nation का ऑर्गन है जिसके अंदर सभी कंट्रीज को इक्वल रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल है. सो ऑल द 193 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूएन आर रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली, मेकिंग इट ओनली यूएन बॉडी विद यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन. तो जो भी हमारी 193 मेंबर कंट्रीज हैं उन सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन है. Each year in September, the full United Nations membership meets in General Assembly Hall in New York for annual General Assembly session and general debate.
विच मैनी हेड्स ऑफ स्टेट अटेंड एंड एड्रेस. नेक्स्ट इज द जनरल असेंबली ईच ईयर इलेक्ट अ जनरल असेंबली प्रेजिडेंट टू सर्व अ वन ईयर टर्म ऑफ ऑफिस. सो करेंटली हु इज द प्रेजिडेंट ऑफ जनरल असेंबली? मैरिया फर्नेंडा एस्पिनोजा. अब हम देखेंगे कि जनरल असेंबली के अंदर डिसीजन मेकिंग किस तरीके से होता है. डिसीजन मेकिंग फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ जनरल असेंबली इज रिक्वायर्ड. फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू थर्ड मेजोरिटी ऑफ जनरल असेंबली इज रिक्वायर्ड. अदर क्वेश्चंस रिक्वायर्ड सिंपल मेजोरिटी. द एग्जाम्पल ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर पीस एंड सिक्योरिटी, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, बजटरी मैटर्स. For all these matters and any other important matters, two-third majority is required. And for other questions, simple majority is sufficient. Next is, so we completed the first organ, that is United Nations General Assembly. The next important organ is United Nations Security Council. तो ये frequently news में भी आता रहता है, UNSC और India. डिमांड करता है कि यूएनएससी में उसको मेंबरशिप मिल जाए. तो नेक्स्ट ऑर्गन इज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. सो अंडर यूएन चार्टर द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. अंडर यूएन चार्टर द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. UNSC has 15 members, in which 5 members are permanent and 10 are non-permanents. So these 5 permanent members are also known as P5 nations, China, France, Russian Federation, United Kingdom and United States. And these 10 non-permanent members इलेक्टेड फॉर टू ईयर टर्म्स बाय द जनरल असेंबली. तो टू ईयर टर्म्स के लिए ये जनरल असेंबली के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं. सो एक बार दोबारा देख लो इसका स्ट्रक्चर. सिक्योरिटी काउंसिल अंडर यूएन चार्टर द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. 15 मेंबर्स इसके अंदर होते हैं, 5 आर परमानेंट एंड 10 आर नॉन परमानेंट. 5 परमानेंट मेंबर है चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स. 10 non-permanent members are elected for 2-year terms by the General Assembly. So next is Security Council के अंदर ही ये आपके non-council member states भी होते हैं. तो what is non-council member states? A state which is a member of United Nations but not of Security Council may participate without a right to vote in its discussion when the council considered that country's interests are affected. So let us understand this point. UNSC, United Nations Security Council के अंदर तो 15 members हैं, 5 परमानेंट 10 नॉन परमानेंट. लेकिन सपोज यूनाइटेड नेशन का कोई स्टेट है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर कोई मेंबर स्टेट है, वो मेंबर स्टेट के इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन से, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर डिस्कशन के लिए इस पर्टिकुलर स्टेट को इन्वाइट किया जा सकता है. लेकिन इस स्टेट को राइट टू वोट नहीं होगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज बोथ मेंबर्स एंड नॉन मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इफ दे आर पार्टीज टू अ डिस्प्यूट बीइंग कंसिडर्ड बाय द काउंसिल मे बी इनवाइटेड टू टेक पार्ट विदाउट अ राइट टू वोट इन द काउंसिल्स डिस्कशन. द काउंसिल सेट्स द कंडीशन फॉर पार्टिसिपेशन बाय ए नॉन मेंबर स्टेट. यानी कि अभी हमने देखा मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटेड नेशन पार्टिसिपेट कर सकती हैं अगर उसका डिसीजन अफेक्ट हो रहा है,
सेकंड पॉइंट क्या है कि नॉन स्टेट भी पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि अगर कोई कंट्री यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है तो भी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के डिस्कशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, अगर काउंसिल के डिस्कशन के अंदर, काउंसिल के डिसीजन के अंदर वो पर्टिकुलर स्टेट एक पार्टी है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उस पर्टिकुलर स्टेट के पार्टिसिपेशन के लिए कंडीशंस भी लगा सकता है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशंस सिस्टम, यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है इसके अंदर आता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, थर्ड ऑर्गन जो हमारा है वह है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इज द प्रिंसिपल बॉडी, इज द प्रिंसिपल बॉडी फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशंस ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज एज वेल एज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स। यानी कि आपका इकोनॉमिक, सोशल या एनवायरमेंटल कोई भी इशू हो, उस इशू को डील करने वाली जो बॉडी है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके अलावा इंटरनेशनली जो भी डेवलपमेंटल गोल्स डिसाइड हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने का काम भी कौन करेगा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके अंदर 54 मेंबर्स होते हैं, ये 54 मेंबर्स जनरल असेंबली के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं और टेन्योर होता है 3 ईयर्स। इट इज द यूनाइटेड नेशंस सेंट्रल प्लेटफॉर्म फॉर रिफ्लेक्शन, डिबेट एंड इनोवेटिव थिंकिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उसको भी इम्प्लीमेंट कराने का काम किसी का रहेगा? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का रहेगा। इसके अलावा इट सर्व एज ए सेंट्रल मैकेनिज्म फॉर एक्टिविटीज ऑफ यूएन सिस्टम एंड इट्स ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल फील्ड, सुपरवाइजिंग सब्सिडरी एंड एक्सपर्ट बॉडीज। तो बेसिकली जो भी यूनाइटेड नेशन सिस्टम की या स्पेशलाइज्ड एजेंसी का जो आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड इशू हो, सोशली इशू हो, इकोनॉमिक इशू हो, उन सबको जो कोऑर्डिनेट करने का काम होता है वो किसका रहता है? वो रहता है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है, जो नेक्स्ट ऑर्गन है वो है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप काउंसिल 1945 में स्टेब्लिश हुआ था। ये बेसिकली किस लिए था? टू प्रोवाइड इंटरनेशनल सुपरविजन फॉर 11 ट्रस्ट टेरिटरीज दैट हैड बीन प्लेस्ड अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स एंड एंश्योर दैट एडिक्वेट स्टेप्स वर टेकन टू प्रिपेयर द टेरिटरीज फॉर सेल्फ गवर्नमेंट एंड इंडिपेंडेंस। बेसिकली 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी, इनको 7 मेंबर स्टेट्स के अंडर डाला गया था और ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो टेरिटरीज हैं सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस के लिए प्रिपेयर हो जाएं। बाय 1994 ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज हैड अटेंड सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस। 1994 तक सभी को लगभग इंडिपेंडेंस मिल गई। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल की जो ऑपरेशंस थे उनको 1 नवंबर 1994 में सस्पेंड कर दिया गया था। नेक्स्ट आपका आता है यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंदर ही नेक्स्ट ऑर्गन है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में भी रहता है। सो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये क्या है? प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसकी सीट कहाँ है? पीस प्लेस है, नीदरलैंड के अंदर ये कोर्ट स्टैब्लिश है, नीदरलैंड के अंदर है। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये केवल एक सिंगल ऐसा ऑर्गन है 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से जो न्यूयॉर्क से बाहर है, बाकी सभी कहाँ पे आपके अवेलेबल हैं? अमेरिका में अवेलेबल हैं। टारगेट जो आपका ऑब्जेक्टिव है इस कोर्ट का वो क्या है? द कोर्ट्स रोल इज टू सेटल इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल लॉज लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड टू इट बाय स्टेट्स
एंड टू गिव एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल क्वेश्चंस रेफर टू इट बाय ऑथराइज्ड यूनाइटेड नेशंस ऑर्गन एंड स्पेशलाइज एजेंसी। यानी कि यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गन्स हैं प्लस ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं, ये जो भी लीगल मैटर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को रेफर करती हैं उसके बारे में एडवाइस कौन देता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। प्लस इसके अलावा इंटरनेशनल लॉज को मेंटेन करने का काम करता है, जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजोल्व करने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड नेशन सिस्टम का नेक्स्ट ऑर्गन, यह है सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट के अंदर सेक्रेटरी जनरल आता है आपका, करंट सेक्रेटरी जनरल ये हैं आपके। टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ यूनाइटेड नेशन स्टाफ आ जाता है, डे टू डे वर्क ये लोग करते हैं। सेक्रेटरी जनरल इज द चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपॉइंटेड बाय जनरल असेंबली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल फॉर अ 5 ईयर रिन्यूएबल टर्म। तो बेसिकली सेक्रेटरी जनरल चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, अपॉइंट करती है जनरल असेंबली और रिकमेंडेशन कौन देती है? सिक्योरिटी काउंसिल। टेन्योर कितना होता है? 5 ईयर और रिन्यूएबल टर्म है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन के अंदर क्या क्या यूज होती हैं। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश, ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं जो इस्तेमाल होती हैं। अब बात करते हैं जो हमारा कंसर्न रहता है, इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। इंडिया हैज़ प्लेड ए की रोल इन द क्रिएशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। इंडिया एक फाउंडिंग मेंबर भी था। एन इंडियन डेलीगेशन वॉज प्रेजेंट एट सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस इन 1945। जब यूनाइटेड नेशन का 1945 में फाउंडेशन हुआ तो सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहाँ इंडियन डेलीगेशन को 3 लोगों ने रिप्रेजेंट किया था, वी टी कृष्णाचारी, फिरोज खान नून, सी पी रामास्वामी। इन लोगों ने वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। अब बात करते हैं जो हॉट टॉपिक रहता है हमारा, क्वेश्चन मेन रहता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अभी हमने देखा तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर आपकी 5 परमानेंट सीट हैं और 10 नॉन परमानेंट सीट हैं। तो क्वेश्चन है व्हाई इंडिया वॉन्ट्स टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फर्स्ट जो इंडिया बेस्ड कहता है भाई किस वजह से हमें चाहिए, वो आंसर है इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की। इट हैज़ बीन अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू यूएन पीस कीपिंग मिशंस। तो यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग मिशन चलते हैं उसके अंदर मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर है। ओल्डेस्ट एंड ग्रैंड सिविलाइजेशन है। इसके अलावा सेक्युलर कंट्री है, रेस्पॉन्सिबल कंट्री है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसके अलावा अंडर रिप्रेजेंटेड है और अनरिप्रेजेंटेड रिलीजन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा इंडिया वांट्स टू गेट वीटो पावर, और अगर इसको वीटो पावर मिलती है तो ये क्या बन जाएगा? ग्लोबल डिसीजन मेकिंग के अंदर ये पार्टिसिपेट करने लगेगा। और अगर इंडिया को मेंबरशिप मिलती है तो ये मेंबरशिप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रिकॉग्नाइज करेगी। तो दोबारा से देख लेते हैं एक बार, इंडिया वांट्स टू बिकम अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। व्हाई? द फर्स्ट इज इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। सेकंड इज इट हैज बीन अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू यूएन पीस कीपिंग मिशंस। थर्ड, इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रैंड सिविलाइजेशनल पावर एंड डिजर्व दिस स्टेटस। फोर्थ, इंडिया इज सेक्युलर, रेस्पॉन्सिबल एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी एंड पावर। नेक्स्ट इज इंडिया इज अंडर रिप्रेजेंटेड इन द यूएनएससी विद अनरिप्रेजेंटेड रिलीजन्स। नेक्स्ट इज इंडिया विल गेट वीटो पावर एंड टू बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज द मेंबरशिप विल बी अ रिकॉग्निशन ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इशूज देख लेते हैं अब इंडिया की, जो मेंबरशिप इंडिया को मिलनी है या मिलेगी इसमें क्या इशूज आ रहे हैं। हालांकि अभी तो ऐसा कोई दिखता नहीं कि इंडिया को P5 में P6 बनेंगे। तो परमानेंट 5 कौन है P5? चाइना, फ्रांस, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। 10 नॉन परमानेंट कौन है? ये 2 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं,
अब आर्टिकल 27 जो यूएन चार्टर का, ये क्या कहता है, ईच मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल शैल हैव वन वोट। अभी जो 15 मेंबर्स हैं इन सभी को वन वोट है, कितना वोट है इनका, वन, और कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें 9 वोट्स रिक्वायर्ड हैं। अगर 9 वोट्स फेवर में पड़ते हैं तो ये कोई भी डिसीजन पास हो जाएगा। लेकिन अगर P5 यानी कि इन 5 में से कोई भी एक कंट्री उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करता तो ये रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। यानी कि अगर चाइना मैक्सिमम टाइम, जैसे अभी मसूद अजहर का अभी जो केस चल रहा है, तो चाइना अगर रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं करता तो ये पास नहीं होगा। हालांकि अगर कोई भी कंट्री एब्सेंट रहता है उसके बाद वोटिंग होती है तो कोई इशू नहीं है। अब ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है, यहाँ 2015 में एक इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन अडॉप्ट किया गया था ताकि यूनाइटेड नेशन के अंदर रिफॉर्म्स किए जा सके, और बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स किए जा सके। एक टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, और इस टेक्स्ट बेस्ड नेगोशिएशन प्रोसेस के बाद इंडिया को होप है कि उसकी जो परमानेंट सीट के लिए जो वो एस्पिरेंट है वो उसका पूरा हो जाएगा। अब हम इशू देखते हैं, क्या इशू आ रहा है। सबसे पहला इशू तो रोल ऑफ चाइना ही है, चाइना क्या रोल प्ले कर रहा है, चाइना का रोल क्या है कि इंडिया को सीट ना मिले। देखो चाइना एक्चुअली ये नहीं चाहता कि एशिया के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एशिया को रिप्रेजेंट करने वाला करंट में अगर कोई है तो चाइना है। तो अगर इंडिया भी आ जाता है तो फिर चाइना का जो स्टेटस है वो रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है, अगर हम देखें तो इंडिया हैज़ रिसीव्ड वोकल सपोर्ट फ्रॉम यूएसए, यूके, फ्रांस एंड रशिया। यानी कि इंडिया की परमानेंट कैंडिडेसी के लिए, यानी कि परमानेंट सीट के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया सभी ने सपोर्ट किया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पावर्स भी, यानी कि ये कंट्रीज भी यूएनएससी के अंदर रिफॉर्म नहीं चाहती, इंडिया को ऐड करना चाहती हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो पहले से रूल्स बने हुए हैं उनके अंदर रिफॉर्म्स नहीं चाहती। क्योंकि इंटरनेशनल लेवल हो, डोमेस्टिक लेवल हो, हर कोई पावर अपनी रिटेन करना चाहता है, स्टेटस को मेंटेन रखना चाहता है। तो इसीलिए ये कंट्रीज भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा तो पहला तो चाइना का प्रॉब्लम है कि चाइना वीटो पावर अपनी एक्सरसाइज करेगा और हमें एंट्री नहीं मिल पाएगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके अंडर 2/3 मेजोरिटी रिक्वायर्ड है। अभी जो 2/3 मेजोरिटी है ये कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको जनरल असेंबली की जो 2/3 कंट्रीज होंगी उनको कन्विंस करना पड़ेगा और अपने फेवर में लाना पड़ेगा। ये भी एक टिपिकल टास्क है। इसके बाद देखते हैं रोल ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया क्या क्या रोल प्ले करता है। इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का 1950-51, ये 7 टाइम मेंबर रहा है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन का फाउंडिंग मेंबर है, पीस कीपिंग ऑपरेशंस के अंदर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के अंदर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसको फर्स्ट टाइम रेज किया था यूनाइटेड नेशन में 1946 में। टोटल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन को सपोर्ट करता है। इसके अलावा ब्राज़ील, जापान, जर्मनी, इनके साथ इंडिया ने मिलकर के एक G4 नेशन का ग्रुप बनाया हुआ है जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रिफॉर्म्स की डिमांड करते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस। तो बेसिकली इनके क्या क्या ऑर्गन्स थे वो हम लोगों ने देखे, ठीक है। अब एक बार इसको नोट्स को अपने रिवाइज कर लेना और अच्छे से इसको स्टडी कर लेना, कोई डाउट हो इसको आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।